तो गाइस आज है फिर से मेरे पास एक ब्रांड न्यू फ़ोन भैया, और ये है यहाँ पर ओप्पो K10। तो गाइस ये ओप्पो 10 के बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, और मेरे पास जो वेरिएंट है ये है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको शायद अगर दिख रहा होगा, ये 8GB 128GB के साथ है, यानी 8GB रैम है और 128GB इसका स्टोरेज मिल जाता है हमें। और साथ ही अगर मैं बात करूँ यार, ये बिल्कुल कार्बन ब्लैक है, जैसे ये ब्लैक है ना पूरा, ऐसे ही कार्बन ब्लैक है। तो मैं इसको तो पूरा अनबॉक्स कर चुका, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको फ़ोन दिखाऊं तो भैया कहीं ना कहीं फ़ोन मिल जाता है आपको, ये रहा आप देखेंगे यहाँ पर, ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। देखिए आप फ़ोन देखो, जैसे कार्बन ब्लैक बोल रहा था ना, बिल्कुल कार्बन ब्लैक टाइप का ही है। और तो मेरे को ऐसे हालांकि ब्लैक और या तो एक्वा कलर ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट कहीं ना कहीं ये फ़ोन की जो क्वालिटी और इसकी जो पिक्चर्स और बाकी जो इसके कैमरे की क्वालिटी है, आप देखिए आप नोटिस भी कर पाएंगे यहाँ पे 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ है, नीचे लिखा भी है इसके अंदर। तो बाकी इसके यार क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ पूरी फुल इसकी अनबॉक्सिंग, क्या खास है क्या है नई चीज़ें। तो चलते हम पूरे डब्बे को खोलते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर भी है फिर से एक न्यू ब्रांड न्यू फ़ोन, तो इसको ओपन करते हैं और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा नया फ़ोन है ये। तो ये फ्लिपकार्ट की तरफ से भैया इन्होंने भेज दिया है, और आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सा फ़ोन है। और बाकी यहाँ से इसको ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये आ गया, और साथ ही यहाँ पे भैया एक बहुत ही नॉर्मल से एक ये दिया हुआ है इनवॉइस। तो चलो, तो ये भैया अगर मैं बात करूँ, अगर आप शायद इसको समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे गाइस ये है एंड्रॉयड का फ़ोन। और अगर मैं इसका आपका यहाँ पे वेरिएंट दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा वेरिएंट है, तो गाइस ये है यहाँ पर मेरे पास में ओप्पो, और यहाँ पे जो ब्लैक कार्बन है ये, और यहाँ पे जो इसका वेरिएंट आप देखेंगे 8GB 128, यानी 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है ये। और साथ ही एक इसमें थोड़ा सा मेरे को जो माइनस पॉइंट लगा है ये कि ये 4G फ़ोन है, यानी कि ये 5G वाला नहीं है। तो चलो ठीक है, बट ठीक मतलब देना चाहिए था 5G मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली। तो गाइस अभी पूरा ये सील पैक्ड है, आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा अभी ऐसा है। तो और यहाँ पे भी देखोगे भैया ये रहा, और आप देखेंगे ये के, तो यानी ओप्पो ने यहाँ पे के की सीरीज़ को दोबारा लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे के की सीरीज़ को लॉन्च करने के बाद यहाँ पे जो फ़ोन है मेरे पास में ये है गाइस यहाँ पर ओप्पो K10। और ओप्पो K10 है, तो इसको भैया यहाँ से हम करते हैं ओपन, और यहाँ से इसको हम करते हैं यहाँ से ओपन। अच्छा गाइस देखो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टैपर प्रूफ सील। तो यानी कि भाई चलो ये देखो ये रहा, तो ये चीज़ है यहाँ से ओपन हो गया। तो इसको करते हैं पहले हम साइड थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसको करते हैं ओपन यहाँ से। बहुत ही ये ज़बरदस्त तरीके से इसकी पैकिंग है, इधर एक पन्नी भी है पतली सी। तो पहले इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली यहाँ से भैया ये मेरे को ओपन करने का ऑप्शन मिल गया, और ये रहा, तो ये हमने यहाँ से कर दिया ओपन। तो गाइस ये आ गया बॉक्स भाई फिर से, और इसके बॉक्स के देखते हैं पैकेजिंग किधर से हो रखी है, और एक पैक यहाँ भी लगा हुआ है। तो यानी ये चीज़ है यार, देखो ये एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, आप देखोगे ये जो सील्ड है ना यहाँ पे एक्सक्लूसिव कुछ समथिंग लिखा हुआ है। तो ये पैकिंग बहुत होके रखा हुआ है। चलिए तो इसको भी मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, और आई थिंक ये खुलेगा शायद इसी तरीके से ही। तो ये गाइस देखो ये रहा, तो ये आप जैसे ही इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारा फ़ोन ये आएगा इसके अंदर। तो गाइस ये एक भाई ये बहुत ज़बरदस्त सा बॉक्स बनाया हुआ है, मतलब वाकई बहुत प्रीमियम टाइप का ये बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसके बाद भी हमारे को यहाँ से एक और बॉक्स मिल जाता है पूरा का पूरा ब्लैक कलर का, और इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से ओपन, और ये हमारे को मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पे देखोगे आप ओप्पो की ब्रांडिंग जो है ना भाई, जो इन्होंने कार्बन ब्लैक बोला ना एग्जैक्टली, देखोगे आप यहाँ पर ये जो पूरा टच दिया हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लैक शेड है सारा, और एक ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसके अंदर बात करते देखते हैं इसके अंदर भैया क्या क्या निकलता है। तो इसमें से अगर मैं ओपन करूं तो हमारे पास यहाँ मिल जाते हैं कुछ चीज़ें जो कि ये रही है। तो पहले इसके बाद में इसको हम यहाँ से फ़ोन भी ये रहा, तो फ़ोन को तो भैया निकाल लेते हैं यहाँ पे। गजब गजब गजब। तो यहाँ पे यानी कि हमें क्या मिला, एक मिला यहाँ पर टाइप सी डेटा केबल, और साथ ही हमारे को यहाँ पर एक मिल जाता है हमारा यहाँ, इसको साइड करते हैं, इसको अभी देखते हैं फ़ोन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक अडेप्टर मिल जाता है, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अडेप्टर की खासियत तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है 35 वोल्ट के साथ। आई थिंक ये चार्जर है शायद, बट मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट सुना था मैंने देखा भी नहीं कि कितने वोल्ट का है ये।
बाकी अच्छा है, मतलब ये सही है, हैवी सा लग रहा है बिल्कुल ये। तो चलो इसको भी साइड करते हैं और इसको भी साइड करते हैं। तो इन दोनों को साइड करके और आते हैं हम मेन मुद्दे पे। तो ये जो मेरे पास था इसके अंदर, हम यहाँ पे हमारे पास इस बॉक्स के अंदर, तो इस वाले के अंदर हमारे को ये फिर से अगेन यहाँ मिल जाता भाई, एक बहुत ही प्रीमियम क्लास टाइप का यहाँ पे एक हमारे को ये मिल जाता है बैक कवर। तो काफ़ी अच्छा है, इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है। और इसमें देखो ये ना, अगर आवाज़ सुनाई दे आपको, तो ये ना मतलब थोड़ा सा वो दरदरे टाइप का है ऐसा, अगर आपको मेरी आवाज़ इसकी आवाज़ सुनाई दे रही तो ऐसा कुछ है ये, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलो इसको भी साइड करते हैं हम। और यहाँ से कुछ मिल जाते भैया ये सब लेटर वगैरह इन सब चीज़ों को, चलिए छोड़ते हैं इसको, हम साइड करते हैं। और साथ ही हमारे को यहाँ पे एक मिल जाता है भैया, यहाँ पे ये सिम वगैरह निकालने के लिए बहुत काम आता है भाई, तो इसको बचा के रखें, ये आपको बचा के रखने की बहुत आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आता है भाई। अगर गुम हो जाए तो फिर तो सीधा वही सुई धागा वाला सिर्फ वही काम आएगा फिर ये। तो इसका काम ख़त्म और इसको भी कर लेते हैं साइड, चलो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है हमारा फ़ोन। तो भाई यहाँ पे फ़ोन के साथ ये पीछे एक ये पेपर भी दिया हुआ है, तो उसको ओपन करते हैं यार। किधर से भैया तुम ओपन करने के लिए कहाँ से हो? यहाँ से हैं। चलो तो भाई ये मैंने ओपन कर दिया और ये देखोगे भाई सब क्या फ़ोन है यार, मतलब वाकई यार बहुत। चलो इसको भी साइड करते हैं हम बॉक्स को यहाँ पर, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे फ़ोन में दिखाऊं तो फ़ोन के, और एक इसको भी साइड करते हैं आप, सिर्फ हम बात करें यहाँ पे फ़ोन की। तो गाइस जो इसकी ना देखो, एक तो पहली बात ये इतना कंफर्टेबली, मतलब इतनी अच्छे से ये भाई साहब ग्रिप में आ जा रहा है, देखो एक बहुत बढ़िया, तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने जो लिया ये लिया है 6 वेरियंट वाला, सॉरी 8 GB के साथ 128 GB स्टोरेज के साथ लिया मैंने यहाँ पर। और अब आप बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कैमरे की, तो गाइस आप यहाँ पे देखिए कैमरा देखिए इसका ये, तो भाई जैसे पूरा ये बोल रहा था ना मैं कि जेड ब्लैक, तो पूरा ही जेड ब्लैक ही है पूरा, ये कार्बन ब्लैक। तो कैमरा यहाँ पे 50 MP का मिल जाता है गाइस, देखो आप यहाँ पे 50 MP का ये कैमरा मिल जाता है हमें, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी जो क्वालिटी आने वाली है वो बहुत बेहतरीन आने वाली है। और यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुपर परफॉर्मेंस 10K, वाओ, मतलब भाई। और ये इसके देखो इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत, यहाँ पे एकदम शाइनिंग है और यहाँ पे बिल्कुल एकदम डिफरेंट, तो मतलब पूरे इस बैक कवर की बात करें तो टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं एकदम, यहाँ एकदम प्लेन, यहाँ एकदम शाइनिंग, और देखो ये बिल्कुल कितना अच्छे से बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया से यहाँ पर बैक कवर इस, ये बैक में इसका ये जो दिया गया है उसका लुक एंड फील, तो इसको भी निकाल देते हैं, चलो इसका भी कोई काम नहीं है हमें। तो और इसके साथ ही यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग है, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाएगी ये, और आई थिंक आप इसका देख पा रहे हो ये, और ये मुझे लगता है ये प्लास्टिक बॉडी है ये। चलो सो हमारे साथ यहाँ पे मिल जाता भैया यहाँ पे पावर ऑन के लिए, और बाकी यहाँ पे हमारे पास में सिम ट्रे भी है यहाँ पर, तो सिम ट्रे एक बार यहाँ पर देखते हैं कि सिम ट्रे में भैया क्या है हमारे पास, एक्सपेंडेबल है या नहीं है, क्या हम यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें या नहीं, या SD कार्ड लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइस जी हाँ, यहाँ पे आप SD कार्ड आसानी से लगा सकते हैं, ये रहा, तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे SD कार्ड लगा सकते हैं। तो इसको कर देते हैं दोबारा हम अंदर कर देते हैं इसको, और बाकी ये रहा वॉल्यूम अप और डाउन का, और साथ ही बस। और यहाँ पे हमारे पास पावर बटन मिल जाती है, इजीली हम यहाँ से जो है अपने पावर को ऑन कर सकते हैं। तो एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कैसा है इसका रिफ्रेश रेट और बाकी कितनी जल्दी ऑन होता है। तो मैंने यहाँ से इसको ऑन किया, तो भैया ये देखो जो मैंने ऑन किया तो यहाँ पे कुछ तो लिख कर आएगा, एक ओप्पो के अंदर एक शायद मेरे ख्याल से ब्लैक सा दरवाज़ा आता है, अच्छा अब ऐसे आने लग गया, पहले ओप्पो के अंदर एक ब्लैक सा दरवाज़ा आता था लाइट का, बिल्कुल शाइनिंग टाइप का, तो वो चीज़ रहती थी। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक कलर का। तो जब तक चलो ऑन हो रहा है तब तक चलो यहाँ पर वेलकम कर रहा है, ये वाले दरवाजे की बात कर रहा था मैं, इस वाले की ऐसा ये, अब एक ही बैग ये लाइट कलर में होके आएगा, ओपन होगा ये कलर OS का यही अच्छा सा इसका मुझे फीचर्स लगता है कि दरवाजे जैसे देखो ये देखो खुला, ये देखें तो काफ़ी अच्छा है। चलो सेटअप करते हैं अभी हम, तो सेटअप से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप सी का आपको मिल जाता है भैया यहाँ पर साथ ही, और जो है आपको इधर देखेंगे 3.5 जैक मिली है, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अच्छा है, बहुत सारे फ़ोनों के अंदर आजकल आता ही नहीं है 3.5, तो ये आपको माइक का यहाँ पे मिल जाता है भैया आपको ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पे जो है हम इसको करते हैं इसको आगे स्टार्ट और इसको सेटअप करते हैं।
देखते हैं यहाँ पे इंडिया गाइस ने फाइनली यहाँ पे भैया एक्टिवेट हो चुका है फ़ोन हमारा और ये बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे क्वालिटी है इसकी। अगर मैं आपको लाइव एक मैं आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अगर आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे लाइव देखोगे क्या ज़बरदस्त क्वालिटी आप देखिए ये देख रहे हो आप यहाँ पे लाइव में इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं ये देखो। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कई पिक्चर्स लिए आप देखोगे आप क्वालिटी देखो आप तो क्वालिटी कहीं ना कहीं ये फ़ोटो का यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे भी खींची है देखो ये रही अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी खींची कुछ मैंने ऐसे। और यहाँ पे अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे एक मैंने स्लोमो वीडियो बनाया था देखो आप ये देखो यहाँ पे एक स्लो मोशन की वीडियो बनाया कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी देखो ये बोतल की मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है ये। और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा क्वालिटी तो भाई बहुत ही अच्छा है बहुत बेहतरीन आप देखो ये देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका कैमरे का तो बिल्कुल पैसा वसूल है। और सबसे मेन चीज़ बात करें तो इसका जो है 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है और साथ ही यहाँ पे जो है 5000 mAh बैटरी के साथ ही आता है। और एक सबसे मेन चीज़ इसमें जो भी लगा है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है। तो बस ये है कुछ यार इस कैमरे की इस फ़ोन की कुछ खासियत तो आई होप कि आपको कहीं ना कहीं पसंद आएगा। बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय इस फ़ोन के रिगार्डिंग और तो इसको यूज़ करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस की बाकी चीज़ें पता चलेंगी तो आप बाकी इस चीज़ के बारे में अच्छा राय तो आप दे सकते हैं। और अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर।